प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर वन का सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, करा यदि 2.027 तथा 4.450 का योग 4.004 तथा 6.121 की योग में से घटा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में सम करेंगे और इन दोनों का आपस में सम करेंगे। जो सम आएगा उनका हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये 2.027, ये क्या 4.450, ऐड करो, ये हो जाएगा 7, यहाँ भी हो जाएगा 7, ये 4, ये हो जाएगा 6, हो गया। इधर आ जाओ, ये देखो 4.004 और ये 6.121, इसे ऐड करेंगे, यहाँ बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो देखो 6.477, 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, 11, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ हो गया 10, यहाँ कैरी करेंगे यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3। 3.648 ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर 4 अंकों की संख्या 3, 4, 6, 5 में पहले और चौथे, कर पहला फर्स्ट और फोर्थ स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाता और एक नई संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरे और तीसरे स्थान, सेकंड और थर्ड स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाता, तो नई और पुरानी संख्या का योग करना। नंबर हमें क्या दे रखा है, 3, 4, 6, 5। पहले क्या कर रहा है कि पहले और चौथे को, मतलब 3 की जगह हमें 5 करना, 5 जगह 3 करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5 हो गया और ये हो गया 3। फिर क्या कर रहा है, दूसरे और तीसरे को, मतलब 4 की जगह 6, 6 की जगह 4, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 4, ये नई संख्या बन गई। अब कर रहा पुरानी, कर रहा नई और पुरानी, पुरानी संख्या क्या है 3, 4, 6, 5। अब इनको क्या करने के लिए बोला, ऐड करने के लिए बोला, देखो 5, 3, 8, 6, 4, 10, 6, 4, 10 एक 11, 5, 3, 8 एक 9, 9, 1, 0, 8 ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा की संख्या 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितनी संख्या में शून्य है, मतलब नंबर आप जीरो हमें बताना है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं अगर आपसे पूछूं कि जीरो कब बनेंगे, अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कब बनेंगे, तो आप कहेंगे कि हमें जीरो तब मिलेगा जब हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 10 आएगा, जीरो मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 और 2 का जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतने जीरो मिलेंगे। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर देखो 20 को अगर आप क्या इसका फैक्टर करोगे तो आप लिखोगे 2 × 2 × 5। देखो यहाँ भी क्या हो रहा, 2 और 5 एक ही बार मिला, तो मतलब जीरो एक ही बार। अगर मैं कहूँ आप यहाँ देखना 50, अगर 50 की बात करूँ तो आप लिखोगे 2 × 5 × 5। अब देखो यहाँ से 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखो एक बार पेयर बन रहा है, तो जीरो एक ही बार। लेकिन मैं कहूँ आपसे 100 में, तो 100 में आप देखोगे तो लिखोगे 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ पे देखो 2 और 5 का एक पेयर, 2 और 5 का एक पेयर, दो पेयर बन रहा है, तो यहाँ नंबर आप जीरो कितने, 2। कहने का सेंस ये कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, 2 और 5 जितनी बार मिलेंगे उतने जीरो होंगे।
जितनी बार दो और पांच मिलेंगे उतने जीरो होंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पांच कितनी बार मिलेगा, दो बार होगा। यहाँ 34 है, यहाँ तो दो मिलेगा एक बार, यहाँ 22 है, यहाँ भी दो एक बार मिलेगा, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी दो एक बार मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 15 है तो यहाँ पांच एक बार मिलेगा, इसे 5 × 3 लिखोगे और इसे 11 लिखोगे और यहाँ 17 लिखोगे और 2 × 3 कर लो और यहाँ 5 कर लो। देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने दो मिलने हैं, कितने पांच मिलने हैं। अगर पांच की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 4 बार है और 2 कितनी बार है तो आपको 1, 2, 3, मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार। तो पेयर कितने बनेंगे तो आप कहोगे पेयर हमेशा यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे, अब देखो 5 4 बार मैंने 5 × 5 × 5 × 5 और 2 कितनी बार, 3 बार, 2 × 2 × 2, बस। अब देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तीन ही पेयर, तो नंबर आप जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर आप जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा अवकाश के दौरान राधा की 4 सहेलियों ने देखा कि वह कोई रोटी नहीं लाई है, इसलिए उनकी 3 सहेलियों ने 1/4, मतलब 3 सहेलियां 1/4 एक ने दिया, दूसरे ने 1/4 दिया, तीसरे ने 1/4 दिया दी और बाकी ने उसे आधी रोटी दी, और एक जो थी उसके क्या दी, आधी रोटी दी, 1/2। तो कह रहा है कि उसे कितनी रोटियां मिली, सबका सम कर लो, तो ये देखो कितना बन जाएगा, 3/4 प्लस 1/2, ये एलसीएम कितना होगा, 4, ये हो जाएगा 4 से 4 को डिवाइड 3 बार में, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 को 4 में डिवाइड करो 2 बार, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 5/4, या इसे लिख लो 5/4 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में 1 अंक वाली एक संख्या, 2 अंक वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या, 4 अंकों वाली एक संख्या और 5 अंकों वाली एक संख्या जोड़ने के लिए कहा, उसने उन्हें आगे बताया कि उन्हें उपरोक्त संख्याओं में अंक 1 का उपयोग करना, तो करा अपेक्षित परिणाम क्या हुआ। देखो कह रहा है कि केवल 1 का यूज करो, तो पहला नंबर क्या बनेगा, 1 अंक का 1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 11 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, 111, चौथा 1111 और पांचवा 5 ही तक है ना, 5 अंकों में संख्या जोड़ने का। अब कह रहा है इनका सम पूछ रहा है, तो देखो यहाँ हो जाएगा 5, ये 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 किसमें दे रखा, ऑप्शन बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा घटते क्रम में लिखी गई संख्याएं, इन्हें हमें घटते डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो सबसे बड़ा नंबर क्या, 4, 4, 3, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इनको हटाओ, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 1, 9, ऑप्शन ए। देखो यहाँ 4, 4, 3, उससे छोटा 4, 3, 4, फिर उससे छोटा 4, 2, 4, फिर उससे छोटा 4, 1, 9, फिर उससे छोटा 4, 0, 8 और उससे छोटा 4, 0, 1, तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक आयत में रेखाएं सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री की बात किया, तो रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो 2, एक ऐसे एक ऐसे, ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घन के एक फलक का परिमाप, मान लो ये क्यूब दे रखा है,
ठीक, कह रहा है कि इसके एक फलक का परिमाप, मान लो यही फलक, इस फलक का परिमाप क्या दे रखा है, तो कह रहा है 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके सभी किनारों की लंबाई का योग पूछा। अब अगर मैं क्यूब की एक फलक मतलब एक फेस देखूं, तो वह किस शेप में दिखेगा, स्क्वायर के शेप में, किस शेप में दिखेगा, स्क्वायर के। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, 4 × साइड, यही हमें कितना दे रखा, 40। तो साइड क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 10, साइड कितनी हो जाएगी 10, मतलब इसकी एक साइड कितनी हो गई, 10 हो गई। अब कह रहा है कि सभी किनारों की लंबाई, अब एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं, एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं, तो आप कहेंगे 12, 4 यहाँ पे नीचे वाले, 4 ऊपर वाले और 4 ये साइड वाले, कितना हो गया 12। अब इसमें 10 में पूर्ण सबकी लंबाई पूछा है, सम की, तो आप कहोगे 10 में 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 120। ऑप्शन कौन सा ए, बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा हूं वैल्यू आप 3:1/3 राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 90 डिग्री, इंटू 3×3 = 9 और 1 10/3 कैंसिल कर दो, 10 सॉरी ये कहा कितनी बार होगा 30, और 30 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 300। ऑप्शन कौन सा बी, बात क्लियर, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। कर राहुल ने 25 लीटर क्षमता के 3 तरल डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और सामग्री को 750 मिलीलीटर आकार की बोतलों में स्थानांतरित कर दिया, वह ऐसी कितनी बोतलें भर पाएगा। अब कह रहा है कि वह 25 लीटर के 3 डिटर्जेंट के बोतल खरीदे, अब उसे फिल करना चाहता 750 मिलीलीटर में के एक बाटल, तो उसे कह रहा कितना बाटल चाहिए, तो पहले हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1000, तो ये कितना हो जाएगा 25 लीटर दे रखा है ना, तो 25 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो 25000, ऐसे कितने डिब्बे हैं, तो 3। अब इसमें कन्वर्ट किसमें करना है, 750 में, 750 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, 0 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा 25 बार में और 25 से कैंसिल एक बार में 100, मतलब कितने 100 बोतलें चाहिए, बातें क्लियर, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे तख्ते को 10 बराबर भागों में काटना है, यदि प्रति कट में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो उसे तख्ते को 10 बराबर टुकड़ों में करने के लिए कितना समय लगेगा। तो हमें तो पहले यह पता करना चाहिए कि 10 टुकड़े बनाने तो उसे कितनी बार काटना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ, मान लो अगर ये कोई रस्सी है, इसे 2 टुकड़े में बांटना, तो आप कितनी बार काटोगे, एक बार। अगर कोई रस्सी है उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो कितनी बार कैंसिल कर, कितनी बार काटोगे, 2 बार। अगर कोई रस्सी है उसे अगर 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो कितनी बार काटोगे, 3 बार, ठीक। तो मतलब जितने टुकड़े चाहिए हमें उससे एक कम बार हमें काटना पड़ेगा, तो यहाँ कितने टुकड़ों में बांटना है, 10, तो काटना कितना पड़ेगा, 9 बार। एक बार काटने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट 15 सेकंड, तो 9 बार काटने में कितना लगेगा, 2 मिनट 15 सेकंड में हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 2 = 18 और 15 × 9 = 135। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, अगर इसे हम मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, तो ये देखो इसे आप 135 को लिख सकते हो, 18 ये हो जाएगा 120 प्लस 15, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में कितने होंगे, 2 मिनट, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना 20 मिनट और 15 सेकंड,
मतलब 20 मिनट 15 सेकंड में पूरी लकड़ी 10 टुकड़ों में बट जाए। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक फल विक्रेता नीचे दी गई दर सूची के अनुसार फल बेच रहा है। जैन ने 2 किलो आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे, उसे कितने पैसे देने पड़े? देखो अब मैंगो की बात कर रहा, तो 1 किलो मैंगो का रेट कितना है? 100 रुपए, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 200। 500 ग्राम संतरे, 1 किलो ऑरेंज का दाम कितना है? 160 रुपए, तो 500 ग्राम का कितना हो जाएगा? 80। 500 ग्राम सेब, 1 किलो सेब का दाम कितना है? 250 रुपए, तो आधा कितना हो जाएगा? 125। अब बात आती है नारियल की, नारियल करा दो, तो एक नारियल 40, तो 2 कितने? 80। ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5, 8, 8, 16, 2, 18 और 2, 1, 3, 4, 485 रुपये। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 485। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा पैटर्न में लुप्त संख्याएं क्रमशः देखना, 21, 41, 31, 51, 41, 61। देखो मेरी बात समझना, 21, 31, 41, फिर 41 के बाद क्या आएगा? 51 ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 51। यहाँ देखो ये 41 से 51, 51 से 61, 61 से 71, देखो कहीं दे रखा है 51 71। ऑप्शन डी। बातें क्लियर है ना, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, 21 से 31 हुआ, 31 से 41, 41 से 51 हो जाएगा, 41 10 51, 10 61 10 71। आगे चलो, करा रूपक ने अपने बगीचे में कुछ बीज बोए और दिनों की संख्या के अनुसार इन बीजों के पौधों के रूप में विकसित होने का रिकॉर्ड किया, जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में दिखाया गया है। करा किन 3 दिनों की अवधि के दौरान पौधों में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम रही? देखो यहां पे 0 से 3 की बात करें तो यहां डिफरेंस कितने चल रहा है? 1.4 का। यहाँ पे डिफरेंस देखो 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3.9 का। यहाँ डिफरेंस देखो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 का। यहाँ डिफरेंस देखो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ ये 0.8 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0.6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर 0 से 3 का डिफरेंस देखें तो 1.4 आ रहा है, 3 से 6 का देखें तो 3.9 आ रहा है, 6 से 9 का देखें तो 4.2 आ रहा है, और 12 से 9 का देखें तो आ रहा 0.8, और 15 से 12 का देखें तो आ रहा 0.6। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? 15 से 12 में। सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? 15 से 12 में। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? तो आप कहोगे कि 9 से 6 में, क्योंकि 4.2 आ रहा है, मतलब 9 से 6 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है और 15 से 12 में सबसे कम डिफरेंस है। ऑप्शन डी जो दब गया यहां पे देख लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, करा वैल्यू ऑफ 101.01 इनटू 0.001 मल्टीप्लाई करना है, कर लो। देखो ये हो जाएगा 10101, ठीक। अब डेसिमल कितने प्लेस पे लगाएंगे? तो 1, 2, 3 यहां, 2 यहां, 5 पे, यहाँ पे लगाओ 0, मतलब 0.101, 0.101001। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है,
आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।